हम लोग सब बदनाम हो चुके हैं, दिस इज द फैक्ट। जैसे अब जटपा जी का एक्सेंट हो गया था नेपाल में, गलती किसी की भी हो बंदा तो नहीं है ना अभी, तो थोड़ा तो एक इंसानियत रखिए। काफ़ी सारी हार्श रियलिटी और काफ़ी सारा कड़वा सच इस वीडियो में, और वो देख के फिर दूसरे लोगों को भी वो ड्रीम लाइफ लगती है, उनको लगता है कि भाई जिंदगी में कुछ करना है तो यही करना है। आज की डेट में कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है एक सुपर बाइक ओन करना। ज़रूरी नहीं है कि भाई 150 की स्पीड पे ये आपका एक्सीडेंट हो ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि 50 की स्पीड पे आपका एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होगा। और हमारी जो बाइकिंग कम्युनिटी है उसका जो बदनाम होने का रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है थैंक्स टू यूट्यूब। अगर कोई पेरेंट देख रहा है जो इंजीनियर जिनका बेटा बेटी 19 साल के 18-19 साल के बाइक मांग रहे हैं, 1000 cc मत दो यार, 1000 cc कैटेगरी जो है। ओके, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और मुंडी की हालत आपको बताए तो अभी थोड़ा ऐसा ऐसा मैं कर सकता हूँ, 2 दिन लग गए, यूजुअली इसको 3 से 4 दिन लगते हैं टोटली नॉर्मल होने के लिए, जब भी मुझे होता है। और ये मसल स्प्रेन मुझे लग रहा है कि ऐसा मसल स्प्रेन है, कोई ऐसा हड्डी वाला आइटम नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। अभी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे लगता है डॉक्टर के यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग भी बोल रहे थे कि भाई ये ऐसा चेक करो ऐसा चेक करो, प्रॉब्लम हो सकता है, आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, तो आई थिंक चेक कर लेना है बेटर है ना। तो लास्ट टू लास्ट व्लॉग में एक पार्ट पे मैंने वीडियो कट कर दिया था, आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। अभी ये वीडियो के 2 पहलू है, सबसे पहला पहलू तो मोटो व्लॉग में आपको पता चलेगा, बताऊंगा मेरे थॉट्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको उसका सेकेंड एस्पेक्ट बताऊँगा। काफ़ी सारी हार्श रियलिटी और काफ़ी सारा कड़वा सच इस वीडियो में, जो सबको मोस्टली सबको पता है वो आपको मैं बताऊँगा, और मेरे थॉट्स उसके बारे में वो भी बताऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इतने सालों से यूट्यूब कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी सारे लोग भी पता है हमारे सर्कल में, हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग भी पता है, जो मुझसे मिलते रहते हैं, मुझसे ये सब चीज़ें शेयर करते हैं, तो आई थिंक कि मुझे इस बारे में बात करना चाहिए। सो मोटो ब्लॉग से शुरू करते हैं, उसके बाद वापस यहाँ पर आएंगे और उसका दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। वैसे रिसेंटली एक आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एक नॉर्थ में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक एक्सीडेंट होगा जिसमें एक अनफॉर्चुनेटली ZX10R राइडर की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। अब रीजंस पता नहीं, मतलब कोई बोल रहा है न्यूज़ में तो आ रहा है कि भाई 300 की स्पीड अटेम्प्ट कर रहे थे। अब कैसा कि हम कोई होते नहीं है डिसाइड करने वाला कि ये स्पीड में ही था, ये फास्ट ही था, ये 300 टच ही कर रहा था, इसका कोई प्रूफ है क्या पता नहीं। अब मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैं तो ऐसा जज नहीं करूँगा, लेकिन इस बात से एक चीज़ मुझे हमेशा खटकती है कि अभी इतना हम राइड करते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, हर जगह अलग अलग टाइप के राइडर्स हमको दिखते हैं, अलग अलग स्टेट्स में राइडर्स दिखते हैं। अब ऐसा नहीं है सबसे पहली बात कि हम फास्ट नहीं चलाते, हम भी तो फास्ट चलाते हैं, लेकिन हम कहीं भी और कुछ भी फास्ट नहीं चलाते। ये इतना मैंने ध्यान रखा हुआ है कि भाई मैं अभी जैसे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ये इधर हूँ, ये खाली भी हुआ फिर भी मैं अनरीचेबल स्पीड अटेम्प्ट करूँगा ही नहीं यहाँ पे, जैसे 150-200 ये सब तो करूँगा नहीं, 200 तो मैंने आज तक वैसे भी नहीं किया है। अब मेरे पास इतना बड़ा पावरफुल बाइक है फिर भी मैंने 200 टच नहीं किया है, अगर किया होता तो आपको अब तक दिख जाता। मेरा बस इतना ही कहना है गाइस कि अभी मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आजकल कैसा है यूट्यूब सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बड़े बाइक्स लेने के लिए, यंग लोग यार, मतलब 19-20 साल के 21 साल के लड़के, इनको आजकल 1000 cc की बाइक चाहिए, पावर चाहिए, उनको व्हीली करना है, ड्रैग रेस करना है, या तो फिर स्टाइल मारना है, लड़कियों को घुमाना है, समझ गया ना। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वो एज में थोड़ा सा गर्म खून रहता है, ये सब करने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पावरफुल बाइक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आती है यार। अगर कोई पेरेंट देख रहा है जो इंजीनियर जिनका बेटा बेटी 18-19 साल के बाइक मांग रहे हैं, 1000 cc मत दो यार, 1000 cc कैटेगरी जो है, 1000, 1200 या 900 जो भी है, ये कैटेगरी में आपको एक्सपीरियंस के बाद में ही बाइक लेना चाहिए। अभी ऐसा भी है कि जो लोग एक्सपीरियंस होके भी फास्ट चलाते हैं तो वो तो भाई उनको फास्ट ही चलाना है तो वो फास्ट ही चलेंगे, लेकिन अगर आप एक यंग एज में पावरफुल बाइक लेते हो, बहुत यंग एज में, तो आपके लिए जो फास्ट की लिमिट है, जो फास्ट की डेफिनेशन है, वो तो कम्प्लीटली अलग होगी ना, वो तो सेम नहीं रहेगी ऑफकोर्स। तो पेरेंट्स लोगों को मेरा ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका बेटा खाना ना खाए, बेटी खाना ना खाए, कुछ भी झगड़ा करे, कुछ भी करे, आपको 1000 cc बाइक या 600+ cc बाइक तो देनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। 600 भी मुझे ज़्यादा लगता है अगर स्टार्टिंग लेवल पे बाइक चाहिए तो। हाँ, अगर एक्सपीरियंस हो, 5-6 साल गाड़ी चला लिया है, 300-400 चला लिया है, तो फिर ठीक है, ये सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि
इंसान को खुद को समझना चाहिए कि उसकी स्पीड कितनी रखनी चाहिए, मतलब रियलिस्टिकली। अगर आपको बहुत ही भगाना है, 200 250 300 टच करना है, तो यार आप ट्रैक पे जाओ, आप ट्रैक बुक करो, पैसा खर्च करो, गेयर वैसे लो, पूरा सूट लो, सब कुछ लो यार, करो ना यार, कौन रोक रहा है आपको, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन नॉर्मल हाईवेज पे इतनी ज़्यादा स्पीड, मतलब अबव 200 कुछ बहुत ज़्यादा हो गया यार, हम अबाउट 150 भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तू भी तो चलाता है, इसीलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैं भी चलाता हूँ, लेकिन मैं इतनी फास्ट कभी नहीं, पूरा चैनल मेरा देख लो, मैं 200 भी टच नहीं किया है। अब ऑब्वियसली 170 180 भी बहुत ज़्यादा स्पीड है, नो डाउट इन दैट, लेकिन वो भी मैं एक दो सेकंड्स के लिए रहता हूँ, वह इतना डर डर के करता हूँ, मेरी बहुत फटती है, मेरी बहुत ज़्यादा फटती है। 140 150 के ऊपर चाहे कोई भी बाइक हो, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, क्योंकि अपने इंडियन कंडीशंस वैसी नहीं होती, अपने आप कभी भी बीच में कुछ भी आ जाता है। रोड की लेवलिंग तक सही नहीं होती, आपको दूर से लगेगा स्ट्रेट रोड है, मक्खन रोड है, लेकिन बीच में ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, और 200 के ऊपर आप रहे तो वेरी हाई चांसेस कि आप लुढ़क जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है कि आपको इंडियन रोड्स पे 200 के ऊपर छोड़ो, 150 के ऊपर भी नहीं चलाना चाहिए टेक्निकली, लेकिन अगर बहुत ही अच्छा रास्ता है, एक दो सेकंड के लिए हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो भी बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अभी हम लोग इतने सालों से अहूरा जा रहे हैं ब्रेकफास्ट राइड, नॉर्थ वाले लोग भी जाते हैं, उनके आसपास जितने भी है, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, आप जाके डेटा चेक कर लो, जितने भी एक्सीडेंट अहूरा जाओगे हर महीने एक्सीडेंट्स होते हैं। उस दिन हम गए थे तब भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसको एम्बुलेंस में लेके गए थे बंदे को, वो भी स्पोर्ट्स बाइक वाला बंदा था। तो एक्सीडेंट स्पोर्ट्स बाइक पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत रहती है, आपको कंट्रोल करने लायक स्पीड होती नहीं है ऑन आवर रोड। ट्रैक पे कंट्रोल करना बहुत अलग चीज़ होती है, और यही चीज़ मुझे खटकती है कि यंग लोग ये सब देख के इन्फ्लुएंस होके गाड़ी फास्ट चलाते हैं, एग्जॉस्ट लगा के वॉम वॉम करते हैं, फुल सिस्टम लगाते हैं, ये वो, तो वो सब मत करो गाइस। अगर करना है तो ट्रैक पे करो, एग्जॉस्ट विग्जॉस्ट लगाया चलो ठीक है, लेकिन एग्जॉस्ट से किसी की जान तो नहीं जा रही है ना, यहाँ पे तो जाने जा रही है लोगों की स्पीड की वजह से। और कितना भी स्पीड चलान और कितना भी ये हो, फिर भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यूट्यूब वीडियो चल रहे हैं तो फिर तो चलान भर लेगा इंसान, सिंपल सी बात है, 2-4 हज़ार का चलान भरेगा, 10-15 हज़ार कमा लेगा वीडियो से, और वो देख के फिर दूसरे लोगों को भी वो ड्रीम लाइफ लगती है, उनको लगता है कि भाई ज़िंदगी में कुछ करना है तो यही करना है, नहीं तो ज़िंदगी किस काम की। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, सोशल मीडिया का एक बहुत ही डार्क साइड है ये, स्पेशली फॉर मोटो ब्लॉगर्स एंड बाइकिंग कम्युनिटी। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि अलग बाइकिंग कम्युनिटी का नाम ख़राब हो जाता है, मतलब जो लोग फास्ट चलाते हैं, रफ चलाते हैं, एग्जॉस्ट पे पूरा स्क्रीम आउट करते हैं, बेसिकली न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो लोगों के मन में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये बाइकर है, मतलब भाई ये छपरी है, या तो ये ऐसे ही करते हैं, ये फालतू कम्युनिटी है ये वो। और जो लोग नॉर्मल लोग जो टूरिंग करना चाहते हैं, बाइक पे घूमना चाहते हैं, अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, मेरे जैसे ट्रैवल वीडियोस बनाना चाहते हैं, वो लोग तो वैसा कुछ कर नहीं रहे ना, फिर भी उनका नाम ख़राब हो रहा है। तो यही सब चीज़ें मुझे खटकती है। अब मेरे बोलने से कुछ होने वाला है नहीं ज़्यादा पता है, लेकिन 1% बस 1% लोगों में भी फ़र्क पड़ा ना, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर मी। मुझे इतना अजीब लग रहा था, मैंने वो बंदे के वीडियोस देखे, ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे उसके, रिएक्शन वीडियोस ये वो। अब देखो जो चला गया उसके बारे में कुछ कह के कोई पॉइंट नहीं है, उसके बारे में कुछ गलत कहना भी गलत है, क्योंकि हमको भी सब कुछ पता नहीं है। सबसे गंदी चीज़ है गाइस, आप स्पीड में चलाओगे डिवाइडर के पास या तो रोड के एंड के पास, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज डिवाइडर के अंदर से कुछ आ जाएगा, यहाँ से कुछ आ जाएगा, सेंटर में चला ताकि आपको बफर टाइम मिले कुछ हुआ तो रिएक्ट करने का। अगर आपको रिएक्शन टाइम ही नहीं मिला तो फिर तो बहुत कुछ भी हो सकता है। और एक गलती गाइस, बस एक गलती काफ़ी है, जैसे आपने देखा ना, एक गलती है, सोचो उसके माँ बाप के क्या गुजरी होगी, सोचो उन फैमिलीज़ पे क्या गुजरी होगी जिनके बच्चे ऐसे ऐसे बाइक एक्सीडेंट में चले गए। तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है ये, बहुत ही ज़्यादा, हम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ कॉन्टेंट देखते हो यूट्यूब पर, तो आप उसको प्रोत्साहित मत करो, आप खुद को उकसाओ मत वो सब चीज़ें देख के, वो सब चीज़ें इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, देखने की इच्छा है देख लो और भूल जाओ, मतलब आपको वो चीज़ करनी है ऐसा सब मत करो। बाइक लो ना भाई, आपको कौन नहीं बोल रहा है, बाइक खरीदो, आप अपने सपने पूरे करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो बाइक लेके आपको बाइक का मैक्सिमम लिमिट टेस्ट करना है, वो नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो ट्रैक चाहिए। अब बाइक का ये जो लिमिट कंपनी वालों ने चेक किया, वो थोड़ी ना हाईवे पे किया है, वो लोग भी ट्रैक पे टेस्टिंग करते हैं, वो एज में हम भी जा चुके वो एज से, हमने तो बहुत सारे कांड किए, लेकिन तभी तो खैर इतनी पावरफुल बाइक्स इजीली मिलती भी नहीं थी, आजकल इजीली ले पा रहे लोग, और आजकल बहुत सारे ऑप्शंस भी आ गए। फिर भी द थॉट स्टिल रिमेन्स द सेम, तो मेक अ प्लेज टुडे कि आपको अननेसेसरीली बाइक को भगाना नहीं है, चाहे वो 200 300 हो, 1000 हो, 500 हो, कोई भी हो, कोई भी बाइक ओवर स्पीडिंग के चक्कर में एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, लेट इट बी एनी बाइक।
अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, कितने सारे राइडर्स आज को यूट्यूब में, मतलब डजन पर डजन क्या बोल रहा हूँ मैं, हज़ारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें लोग 250, 300, 200 व्हाटएवर हाई स्पीड कर रहे हैं, सिटी में कर रहे हैं, सिटी के हाईवे में कर रहे हैं, या तो फिर कोई बड़े एक्सप्रेस हाईवे पे कर रहे हैं, कार में कर रहे हैं या तो बाइक में कर रहे हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या है, आए जाए लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हर जगह हो रही है। लेकिन अगर कोई यूट्यूबर, अब जैसा कोई फेमस यूट्यूबर, अभी ये जो बंदा ही इज़ नो मोर, ही वॉज फेमस काइंड ऑफ, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बंदा फेमस है, अगर वो बंदे को कुछ हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जटपाजी का एक्सीडेंट हुआ था नेपाल में, कितना बड़ा बवाल हो गया था, कुछ कुछ लोगों ने तो यार शेमलेसली क्या क्या वीडियोस डाल दिए कि ही इज़ नो मोर एंड ऑल। तो ये फेमस लोगों को अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियस की बात है कि वो फेमस, वो जो इंसिडेंट है वो ज़्यादा जल्दी फेमस हो जाएगा, लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा अजम्पशंस करेंगे, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, अलग अलग टाइप के वीडियोस बन जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट जिससे किसी की डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया है या इंजरी हो गई, अगर वो फेमस हो जाती है इंसिडेंट, इससे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होता है कि भाई फास्ट चलाने के बाद क्या हो सकता है, स्पेशली इफ़ द पर्सन इज़ फेमस, मतलब वो पर्सन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में, तो ये चीज़ से भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि भाई फास्ट चलानी नहीं चाहिए। और रही बात गलती होगी, तो मैंने भी गलतियाँ की है, आपने भी की है, सब लोगों ने गलतियाँ की है, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, अगर मेरे से कुछ गलत इन्फ्लुएंस आप लोगों के तक पहुंचा होगा, तो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। और जेन्युइनली अगर आप लोगों में से कोई भी मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहा है और 150 कर रहा है या व्हाटएवर मे बी द स्पीड कर रहा है, जस्ट बिकॉज अगर कभी कभी मेरे वीडियो में दिख जाता है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल भी आप इन्फ्लुएंस मत होना, बिकॉज ये सीरियस मैटर है, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट हर्ट इन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम मी। अबे आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग में से कितने लोग टूरिंग करते हैं, कितने लोग रैश राइडिंग करते हैं, कितने लोग ड्रैग रेसेस करते हैं, मतलब हर एक कैटेगरी का अलग अलग परसेंटेज होगा। मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस मैक्सिमम टूरिंग वाली ऑडियंस है। अगर कोई बंदा रैश ड्राइविंग करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर जाता हूँ, हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे किसी ने रैश ड्राइविंग कर ली, वहाँ पे वो जगह पे बाइक से आना ही बैन हो जाएगी। जैसा फॉर एग्जांपल तुंगारेश्वर एक ऑफ रोडिंग अच्छी जगह है मुंबई के पास, वहाँ पे पहले तो बाइक्स अलाउड थी, लेकिन अभी रिसेंटली एक दो साल पहले मैंने सुना था कि वहाँ पे कोई तो न्यूसेंस क्रिएट कर दिया कोई ग्रुप ने, और उसकी वजह से राइडिंग वहाँ पे बंद हो गई, अलाउड ही नहीं है भाई, अभी पता नहीं अलाउड है क्या। लेकिन इसकी वजह से क्या होता ना कि बाकी के लोग सफ़र करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अभी मैंने निंजा पे एग्जॉस्ट है, मैं थोड़ा सा लाउड एग्जॉस्ट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान को चिढ़ है ये सब चीज़ों, जस्ट बिकॉज वो इंसान ने कभी न्यूसेंस देखा है ये सब होते हुए, एक बाइकिंग ग्रुप ने वहाँ पे उनके एरिया में न्यूसेंस कर दिया, या तो फिर एक्सीडेंट देख लिया, या तो फिर बहुत ही फास्ट भगा रहे वो सब देख लिया, ऑब्वियसली वो किसी को पसंद नहीं है, तो वो जनरलाइज हो जाता है और वो सबके लिए वैलिड हो जाता है। मतलब अगर बाइकर दिखा, अगर राइडिंग गियर दिखा, कोई भी बाइक हो, लेट इट बी एनी बाइक, तो ये बंदा रेसिंग करने जा रहा है, रैश ड्राइविंग करने जा रहा है। हम लोग जितनी भी बार टूर करते हैं, हम लोग को रैंडमली भी पब्लिक मिलती है टूरिंग के टाइम, वो बोलते हैं कि आप लोग रेसिंग के लिए निकले हो क्या, दैट इज़ द फैक्ट, क्योंकि हम लोग सब बदनाम हो चुके हैं, दिस इज़ द फैक्ट। और इसका सोल्यूशन यही है कि अवेयरनेस जितना हो सके उतना क्रिएट करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ऑब्वियसली, लेकिन आपकी भी है। अगर आप यूट्यूब नहीं वीडियोज़ बनाते कोई बात नहीं, आपके फ्रेंड्स में, आपके राइडिंग ग्रुप में, आप जहाँ पर भी राइड करते हैं आप ये एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, आपके ग्रुप में आप फैला सकते हैं, या आप अगर कोई कर रहा है तो उसको नम्रता से बोल सकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, और यही एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है, और ये ऑप्शन से कोई सोल्यूशन निकलने वाला है नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि कितने सारे लोग हैं, लैक्स ऑफ बाइकर्स, लैक्स ऑफ मेंटेलिटीज़, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग एरिया, तो इतना ईजी नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश अगर एक बंदे पे भी वो अफेक्ट हो जाए, जैसे ये वीडियो से अगर एक बंदा भी अगर ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये गलत है, मैं स्लो चलाऊंगा या मैं लिमिट में चलाऊंगा, अपनी लिमिट में चलाऊंगा, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। जैसे अब जटपाजी का एक्सीडेंट हो गया था नेपाल में, 2-3 दिन तक मुझे अजीब सा फील हो रहा था, बहुत ही ऐसा घबराहट सी महसूस हो रही थी, राइड पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इट इज़ बिकॉज आई एम वॉचिंग दैट पर्सन सिंस मेनी ईयर्स, और अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तभी तो पता ही नहीं चल रहा था कि भाई हुआ क्या है एग्जैक्टली, मतलब हॉस्पिटल में है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से लोग ऐसे वीडियोस बना रहे थे कि नो मोर एंड ऑल। सेकेंडली जब ये वाला एक्सीडेंट हुआ, तब भी मुझे 1-2 दिन तक अजीब सा लगा, एकदम मैं टेंशन में आ गया था, हालांकि मैं ज़्यादा वीडियोस देखता नहीं था इसके, लेकिन फिर भी एक डर तो लगता ही है ना, मतलब जब कोई जाता है ना तो उसका इफेक्ट बहुत सारे लोगों को पड़ता है, नॉट नेसेसरी कि वो लोग उसको पर्सनली जानते हैं नहीं जानते हैं, और उम्र भी आप देख सकते हो, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। और मुझे पर्सनली दुख तब होता है जब कोई बंदा जो जा चुका है उसको लोग ब्लेम करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अरे
गलती किसी की भी हो, बंदा तो नहीं है ना अभी, तो थोड़ा तो एक इंसानियत रखिए। किसी का भी मजाक उड़ाना या किसी को ब्लेम करना आफ्टर द पर्सन इज नो मोर और बड़ा एक्सेंट हो गया है, वो गलत चीज़ है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। कितने सारे एक्सेंट हमने देखे होंगे आज तक जिसमें ज़रूरी थोड़ी है हाई स्पीड है, आए जाए दिन लोग मरते हाईवे पे। कहीं पे भी आप डेटा निकाल लो, समृद्धि हाईवे निकाल लो, समृद्धि हाईवे पे आपको लगता है सब एक्सीडेंट्स हाई स्पीड से हुए? नॉट नेसेसरी ना। किसी को नींद आ गई है, कोई दारू पी के चला रहा है, कोई ट्रक ने घुसा दिया, कोई कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने सोचना चाहिए, जनरलाइज नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज भाई किसी के पास पावरफुल बाइक है ऐसा है, तो फिर अल्टीमेटली हमारी सोच भी वही लेवल पे हो गए ना जो लोग हमको बोलते कि भाई ये तुम रेसिंग करने निकले हो। अगर हम लोग खुद ही बोल रहे कि यार ये तो स्पीड में चला रहा होगा या ऐसा कर रहा होगा, वॉट एवर मे बी इट इज, अगर चला मे भी चला रहा होगा, मे भी नहीं चला रहा होगा, मैं खुद से मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि भाई चला रहा था नहीं चला रहा था। मैं बस अफसोस जता सकता हूँ कि भाई ही इज़ नो मोर एंड रेस्ट इन पीस। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, जेन्युइनली बहुत लगा। और हमारी जो बाइकिंग कम्युनिटी है उसका जो बदनाम होने का रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, थैंक्स टू यूट्यूब। यूट्यूब पे कंटेंट आजकल कैसा आ रहा है, लोगों को क्या कंटेंट देखना है वो भी आपको पता है। मतलब मैं यहाँ पे आपके सामने मैं कितना बड़ा एग्जांपल हूँ, मैं इतना कंटेंट बनाता हूँ, इतना घूमता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, कितने सारे लोग बोलते हैं भाई आप अंडर रेटेड हो, आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हो, लोग कुछ भी देखते हैं, ये देखना चाहिए। वैसा ही है भाई, वैसा ही है। हम लोग बड़ी बड़ी ट्रिप्स करते हैं, टूर ट्रैवल करते हैं, लोगों को सपने दिखाते हैं, लोगों को ड्रीम्स दिखाते हैं, वो लोग भी करते हैं, लोग भी एंजॉय करते हैं, लोग थैंक यू बोलते हैं। तो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने लोग हमको सपोर्ट करते हैं उससे कई ज़्यादा 10 से 20 गुना 30 गुना 50 गुना ज़्यादा लोगों को वो देखना है, मसाला देखना है, हाई स्पीड देखना है, लाउड एग्जॉस्ट देखना है, गाड़ी के पीछे से फायर निकल रहा है वो देखना है, बर्नआउट देखना है, ये सब चीज़ें देखना है। और जो लोगों को देखना है वही पब्लिक दिखा रही है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। जो लोगों को देखना है वैसी फिल्में आती है, वैसी फिल्में हिट होती है, जो लोगों को नहीं देखना है वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। सिंपल लॉजिक है, ये डिजिटल वर्ल्ड का फैक्ट है कि भाई लोगों को क्या देखना है वही दिखाओ और आपका चैनल चल जाएगा। हम लोग जो करते हैं वो मैक्सिमम लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, वो लोगों को अच्छा लगेगा लेकिन सबको नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं कब से कितने से टाइम से चैनल चालू है मेरा, क्या क्या कर चुका होता मैं अब तक, कितना गाड़ी भगा लिया होता, कुछ भी करके मैं व्यूज़ लेके आता, लेकिन नहीं, अपने को जो करना है अपन ने किया। जितने लोग इंटरेस्टेड है देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है और आगे भी देखते रहेंगे। अब ऑब्वियसली उतना ट्रैक्शन शायद नहीं मिलेगा टूरिंग वीडियो को जिस वीडियो में सुपर बाइक पे लड़कियां घुमा रहे हैं या एग्जॉस्ट लाउड एग्जॉस्ट कॉलेज के सामने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उस पे मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है वो मसाला है, लोगों को मसाला पसंद है, तो अगर मैं मसाला दूंगा तो लोग मेरे वीडियोज़ भी देखेंगे, तो सिंपल फैक्ट है। लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे इस बात का, और मैं चाहता हूँ कि ये किसी के साथ भी ना हो। बनाने के लिए तो बना सकते हैं, 1000 cc तो हमारे पास भी है, और आज की डेट में कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है एक सुपर बाइक ओन करना। अगर आप कार ओन कर सकते हो, कोई भी 10-15 lakh की कार ओन कर सकते हो एटलीस्ट, तो आप सुपर बाइक भी ओन कर सकते हो, कोई इसमें बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो अगर आपके पास एक बड़ी बाइक है या मेरे पास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भी हम बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं यूट्यूब पे नॉर्मल लाइफ में जिनके पास भाई 15-20 lakh की बाइक होती है, उनको लगता है कि भाई वो लोग तो एकदम सुपीरियर हो गए, उनके पास ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। पहली बात तो, सबसे पहली बात तो, कोई किसी का मोहताज नहीं है। अगर कोई किसी के सामने हिडगवरी कर रहा है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, अरे सामने वाला, मैं तो सिंपल हूँ, मेरे सामने अगर कोई ऐसा करता है तो मैं सोचता भाई कि तेरे पैसे का कौन खा रहा है इधर, मैं कमा के मैं खुद का खा रहा हूँ, तो ये सब जो एटीट्यूड है ये काय को। लेकिन मैक्सिमम मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग जो भी बड़ा बाइक सुपर बाइक है, जो भी बड़ी बाइक है वो ओन करते हैं, उनको ना अलग से ही एक एटीट्यूड रहता है, वो लोग थोड़ा सा खुद को इधर समझते हैं। हालांकि कोई बड़ी बात है नहीं, आप अगर 10 lakh का कार के लिए लोन निकाल सकते हो तो आप 10 lakh का बाइक के लिए भी लोन निकाल सकते हो। इफ़ यू कैन पे EMI 15-20 hazaar 25 hazaar whatever फॉर अ कार, यू कैन ऑल्सो पे EMI फॉर द बाइक, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 15-20 lakh की बाइक के लिए खुद को हीरो समझना भाई, ये सोच निकाल दो दिमाग से, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ले सकता है, बस प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है बस। चलो ठीक है, काफ़ी सारा ज्ञान हो गया, मुद्दा ये था कि आप लोग सेफली चलाएं, सुरक्षित चलाएं और अपनी जिम्मेदारियों को पकड़ के बाइक चलाएं या कहीं पे भी ट्रैवल करें, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली है, आप पे डिपेंडेंट लोग हो सकते हैं, तो उसके लिए बस खुद के मज़े के लिए घुमाओ ना भाई, भगाओ ना, कौन नहीं बोल रहा है, सब लोग भगाते हैं, लेकिन बहुत सेफली भगाओ। ज़रूरी नहीं है कि भाई 150 की स्पीड पे ही आपका एक्सीडेंट हो ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि 50 की स्पीड पे आपका एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा डिपेंड करते हैं,
तो जितना हो सके सतर्क रहो। यमुना एक्सप्रेस वे में बाइक कैसा अलाउड है यार, और वहाँ पे इतना ओपनली 250-300 लोग कैसा मार रहे हैं, कोई स्पीड चलन पुलिस वुलिस कुछ चक्कर नहीं है कि यहाँ पर हम लोग यार थोड़ा सा भगा ले तो पुलिस चलन कट जाता है। तो आई डोंट नो, चलो वो एक अलग टॉपिक है। सबसे मेन फैक्टर कि भाई कोई ऐसा डिसीजन ना आ जाए कभी कि भाई जैसा केरला में हेलमेट बैन हो गया, वैसे भाई इंडियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि गोप्रो बैन हेलमेट पे, अलाउड ही नहीं है, तो फिर क्या सबको सफ़र करना पड़ेगा। कभी गवर्नमेंट ऐसा रूल निकाल देगी ये सब देख के कि भाई कोई भी एक्सप्रेस हाईवे पर बाइक अलाउड नहीं है, कोई ऐसा रूल आ जाएगा कि बाइक का स्पीड लिमिट ही 80 है, मतलब बाइक 80 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, लेट द हाईवे गो अप टू 120, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई सारे मॉडिफिकेशन बंद, मतलब एग्जॉस्ट वेग्जॉस्ट तो भूल ही जाओ, कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद। तो इससे बेहतर है कि हम लोग ही थोड़े संभल जाए, ऐसा कॉन्टेंट हम लोग प्रमोट ही ना करें या देखे ही ना, जो कॉन्टेंट आपको लग रहा है कि थोड़ा सा छपरी टाइप का है या थोड़ा सा व्यूज़ के चक्कर में है, ऐसा नहीं, जेन्युइन कॉन्टेंट देखो। आई नो फैक्ट यही है कि जेन्युइन कॉन्टेंट लोगों को देखना नहीं है, लोगों को ये सब देखना है, लेकिन ट्राई टू वॉच जेन्युइन कॉन्टेंट, क्योंकि जो जेन्युइन कॉन्टेंट बना रहा है वो बंदा मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहा है कम्पेयर टू दैट अदर बंदा, और उसके मेहनत के हिसाब से उसको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर वो सपोर्ट नहीं मिल रहा तो वो बंदा आगे काम कैसा करेगा। और ये लोग जिनको बहुत भर भर के सपोर्ट मिल रहा है लेकिन मेहनत बहुत कम है, बस पटेली और ये सब छपरीगिरी ज़्यादा है, वो लोग और प्रोत्साहित हो जाते हैं ऐसा सब करने के लिए, और फिर वो अलग अलग तरीके ढूंढेंगे ये सब करने के, और इसकी वजह से न्यूसेंस भी क्रिएट हो ही जाता है। बहुत देखा है भाई, कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी ऐसी सुनी है, ऐसी ऐसी देखी है जो आपके सामने मैं बता भी नहीं सकता। अभी हमारे कम्युनिटी में हमको पता चल जाता है लेकिन सब चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते। एनीवेज, हमको खुद को ही रिस्पॉन्सिबल रहना है लाइफ में, और किसी से भी ब्लाइंडली इन्फ्लुएंस नहीं होना है। लेट इट बी मी ऑल्सो, मैंने भी गलती की, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आपने भी की होगी। खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। गलतियाँ की है तो एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो, अगर हिम्मत नहीं है तो फिर गलतियाँ ना करो। और आई होप ये वीडियो से एटलीस्ट 10 लोगों को भी फ़र्क पड़े, ताकि 10 लोग भी वल्नरेबल सिचुएशन से दूर रह पाए, बस यही मेरा एम था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आद रहो, भटकते रहो। और आपको अगर ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो वो भी बताओ, हम लोग एक पॉडकास्ट सीरीज़ भी शुरू कर सकते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बहुत सारी, तो काफ़ी लोग इसे सीख भी सकते हैं, लोगों को इनवाइट भी कर सकता हूँ और इसके बारे में डिस्कस भी कर सकता हूँ। लेट मी नो व्हाट यू थिंक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, अगर ये वीडियो से किसी को दुख हुआ है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा इंटेंशन किसी को भी पर्सनली पॉइंट आउट करना नहीं है, किसी को भी कुछ बोलना नहीं है, या कोई कम्युनिटी को हर्ट करना नहीं है। मैं भी बाइकिंग कम्युनिटी से हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई जस्ट वॉन्ट हमारे बाइकिंग कम्युनिटी का जो लोगों के लिए लेवल है, थिंकिंग लेवल है, वो मेंटेन रहे, ना कि बदनाम हो जाए, बस यही मेरा एम है। और आई जस्ट प्रे टू गॉड कि कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में ना जाए और किसी की भी जान ना जाए, किसी का भी एक्सीडेंट ना हो, बस हमको सेफली गाड़ी चलानी है, दैट्स इट।